तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार के खुफिया विभाग के हवाले से आ रही है। खबर के मुताबिक 31 दिसंबर की रात पाकिस्तानी बोट पोरबंदर के करीब आई थी, जिसके बाद बोट का कोस्ट गार्ड ने पीछा किया। बाद में बोट में खुद ब खुद धमाका भी हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, 31 दिसंबर को दिखी थी एक संदिग्ध बोट, पाकिस्तानी बोट ये बताई जा रही है, जो कि पोरबंदर में यहां पर आई थी, और बताया जा रहा है कि अपने आप विस्फोट भी हो गया। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, और क्या कुछ बताया जा रहा है इस बोट के बारे में? देखिए, समंदर में कराची की तरफ से ये बोट फिशिंग बोट आई थी, जिसमें चार लोगों के सवार होने की बात थी, और करीब एक घंटे तक कोस्ट गार्ड ने इसको रोकने की कोशिश की डोनियर हेलीकॉप्टर अपनी बोट की मदद से, लेकिन जब इसको रोका उसके बाद इसमें एक धमाका हुआ और ये बोट जो फिशिंग बोट थी वो समंदर में डूब गई। अभी उसमें जो चार लोग सवार थे उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बोट धमाके के बाद समंदर में डूब गई और उसको अभी रेस्क्यू करने का काम चल रहा है, लेकिन ये घुसपैठ की कोशिश मानी जा रही है पूरी तरह से, क्योंकि 31 दिसंबर की रात की ये घटना है। और अगर पोरबंदर से बात की जाए श्वेता, तो 365 किलोमीटर समंदर में कराची की तरफ से ये बोट इंटरसेप्ट हुई, इसको पहचाना गया और उसके बाद इसको घेरने की कोशिश की गई। करीब एक घंटे की कार्रवाई रही 31 दिसंबर की रात की ये घटना है, और उसके बाद जब इसको रोका गया और पकड़ने की कोशिश की गई, उसमें सवार जो चार लोग देखे जा रहे थे उन्होंने कोई धमाका उस बोट में किया और उसके बाद ये बोट समंदर में समा गई। बिल्कुल, साथ ही साथ मंजीत बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि मुंबई धमाके में जिस तरह से सारा सीक्वेंस रहा है, जिस तरह से बोट से आए थे आतंकी, उसके मद्देनजर भी क्या इस तरह से भी इस एंगल को लिया जा रहा है या खुफिया एजेंसी इस जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हैं वो एक तरह से रेकी करने की कोशिश कर रहे हों कि फिलहाल कितनी सुरक्षा व्यवस्था है हमारे कोस्ट गार्ड के इलाके में? देखिए श्वेता, लगातार 31 दिसंबर नए साल के आसपास समंदर से और बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश की जानकारी, इस बात की इंटेलिजेंस की जानकारी, खुफिया जानकारी लगातार दी जा रही थी, और उसी नजरिए से इस घटना को भी देखा जा रहा है। फिलहाल जो कोस्ट गार्ड है और खुफिया तंत्र के जो लोग हैं उसको घुसपैठ की बड़ी खबर मान रहे हैं, और जो मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि मैक है उसको वो इस घटना को अपने अलग अलग नजरिए से इसका एनालिसिस कर रहा है। हालांकि अभी इस बात की पूरी तरह से पुष्टि तब हो पाएगी जब उस जो बोट है, जो फिशिंग बोट है, उसको रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी धमाके के बाद वो बोट समंदर में समा गई थी और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जब इस बोट को रोकने की कोशिश की गई उसमें चार हथियार सवार लोग देखे गए थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने काफी तेज स्पीड से बोट को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद उसके कोस्ट गार्ड ने उसको रोकने में कामयाबी पाई, और जब उसको पकड़ने की कोशिश जब की जा रही थी उसी दौरान इस बोट में धमाका हुआ। तो अभी तक ये एक घुसपैठ की घटना मानी जा रही है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो कराची की तरफ से ये पोरबंदर की तरफ ये बोट आ रही थी और रात का वक्त था, और क्योंकि फिर इसके अलावा जब उसको पकड़ने की जब कोशिश की, रोकने की कोशिश की गई, तो इन्होंने इस बोट में धमाका किया। बिल्कुल, लेकिन अगर इसके मद्देनजर मंजीत, चूंकि आप कवर करते हैं इस एरिया को, जो खुफिया एजेंसीज हैं क्या बताती है? जिस तरह से पहले ही भारत में एक बार आतंकी हमला हो चुका है, मुंबई में जिस तरह से समुद्री रास्ते से आतंकी आए थे, समुद्री हमारी जो सीमाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है, इस बात का भी ये टेस्ट है। इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी श्वेता, जिस तरह से खासतौर से नए साल के मौके पर और खुफिया एजेंसियों ने इस बात के अलर्ट दिए गए थे कि इस तरह की कोशिश हो सकती है। 26/11 की जो घटना मुंबई पर इसी तरह से हुई थी, एक फिशिंग बोट कुबेर पर सवार होकर पाकिस्तानी घुसपैठी आए थे, उन्होंने किस तरह का आतंक पूरे मुंबई में फैलाया था, उसी तरह की घटना की आशंका थी, और कह सकते हैं कि वो आशंका एक तरह से सही साबित हुई। हालांकि इस बार जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं, कोस्ट गार्ड हैं, खुफिया तंत्र है, उसकी कामयाबी इसको कहा जा सकता है, उन्होंने समय रहते इस घटना को रोकने की कोशिश की। हालांकि अभी अगर जो फिशिंग बोट है जो समंदर में डूबी है उसको निकालने के बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी कि क्या किस तरह का प्लान इस घटना के पीछे था, जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है एक बड़ी आतंकी घटना
कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही थी, उसकी आशंका एक तरह से सही साबित हुई और उसको नाकाम फिलहाल किया गया है कोस्ट गार्ड की तरफ से। बिल्कुल मंजीत, क्या बोट के मलबे से अब तक कुछ ऐसी चीजें बरामद हो पाई है, कुछ ऐसा मिल पाया है, आपके पास कोई जानकारी? अभी तक वहां पर श्वेता जो रेस्क्यू का काम है, जो ढूंढने का काम किया जा रहा है, वो उसमें उसके बारे में एजेंसियों की तरफ से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये अभी तक जो चार लोग बोट पर देखे गए थे उनके शव अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और उसके अलावा धमाका किस वजह से उन्होंने किस चीज से धमाका किया, क्या जो विस्फोटक वो लेकर आ रहे थे उसमें धमाका किया, या वो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही। हालांकि बड़ी कामयाबी फिलहाल जो जो बोट है, जो फिशिंग बोट है जो डूब गई थी, उसको निकालने में बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई है, क्योंकि काफी दूर का इलाका है और समुद्र की गहराई के लिहाज से भी कोलकाता से जो जानकारी मिल पाई है, बड़े शिप की मदद ली जाएगी इस तरह के फिशिंग बोट को ढूंढने में की जाती है, उनकी मदद से उसको नौसेना की मदद भी वहां पर ली जा रही है। और उसके बाद अगर जो संदिग्ध लोग हैं आतंकी, उनके जो शव ढूंढने का काम है, उसके अलावा उस बोट में और किस तरह के हथियार वो लेकर आए थे, वो उस काम को तेज किया जा रहा है। यानी कि कम से कम फिलहाल जो तस्वीर साफ अभी हो रही है मंजीत, उससे ये लग रहा है कम से कम ये वो फिशिंग बोट नहीं है जो कि भटक कर रास्ता इस तरफ भारत की तरफ, भारत की सीमा में आ गई हो, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये बोट जो है पाकिस्तान से, कराची से इस तरफ आ रही थी, भारत की सीमा की तरफ आ रही थी, पोरबंदर की तरफ आ रही थी, ये कम से कम तस्वीर साफ है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये अगर इलाके की बात की जाए तो नौसेना के इलाके यानी कि 400 समंदर में 400 किलोमीटर के आगे का जो इलाका है वो उसकी निगरानी नौसेना के पास होती है। उस इलाके में ये जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, सीधे तौर पर कराची की तरफ से ये बोट आई है और रात के वक्त अभी तक पोरबंदर उसके आसपास के इलाकों में जो फिशिंग बोट है उनको आइडेंटिफिकेशन देने का काम, आई कार्ड देने का काम पूरा हुआ है। इस बोट पर इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी जब उनसे जानकारी मांगी गई, और ये सीधे तौर पर अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कोस्ट गार्ड की तरफ से, उसमें ये बोट कराची की तरफ से आ रही थी, और जब इस बोट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, तो सीधे तौर पर ये एक तरह से घुसपैठ की कोशिश इसको बताया गया है। और इस लिहाज से इसको बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जुड़ चुके हैं। सरीन साहब, ये खबर आपको पता चली हो, पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर एक पाक की बोट आई थी, पाकिस्तान की बोट आई थी, हालांकि उसमें अब धमाका हो गया है और जांच जारी है, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वाकई एक फिर आतंकी साजिश के तहत इस बोट को भेजा गया था भारत? देखिए, अभी जो डिटेल्स आ रहे हैं बहुत स्केची हैं, अभी ये नहीं पता कि ये कोई एक्सीडेंटल धमाका हुआ, ये कोई एक्सप्लोजिव मवाद लेके आ रहे थे, या कोई ये फिशरमैन लोग थे जो सीमा का उल्लंघन कर रहे थे और पकड़े जाने के खतरे से फिर दोबारा भाग रहे थे, या फिर एक्चुअली आतंकवादी थे, पॉसिबिलिटीज कोई भी हो सकती हैं। तो जब तक फाइनल डिटेल्स नहीं आते तो मेरे ख्याल कोई भी इस पर टिप्पणी करनी मुनासिब फैद ना हो, लेकिन अगर ये एक्चुअली आतंकवादी थे और उन्होंने बोट को इस तरह से उड़ाया है ताकि कोई सबूत ना लगे, या एक तरीके का आत्मघाती अपने ऊपर हमला ही किया है, तो फिर ऑब्वियसली जो हमारे बड़ी देर से एप्रीहेंशन थी कि इस तरह की हरकत दोबारा हो सकती है, या सीमा के रास्ते से या और रास्तों से ऑलरेडी हो भी रही है, घुसपैठ हो सकती है और आतंकवादियों का भारत के अंदर आक्रमण हो सकता है, तो मेरे ख्याल वो जो सारे हमारे डाउट्स और एंटीसिपेशन और एप्रीहेंशन थी वो शायद सच हो गई। बिल्कुल सरीन साहब, लेकिन अगर इसको इस नजरिए से भी देखा जाए, जो कि अभी खबरें आ रही है उसके मुताबिक कम से कम जो चार लोग सवार थे बोट में उनके पास हथियार भी बताए जा रहे हैं कि उनके पास हथियार थे, इसलिए वो फिशरमैन कम से कम नहीं हो सकते हैं फिलहाल जैसा लग रहा है देख करके, ऐसे में क्या ये भी हो सकता है, एक एंगल ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो आतंकी हैं वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देखना चाह रहे हो कि हमारी समुद्री सीमा मुंबई हमले के बाद, जिस तरह से मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद से कितनी सतर्क हुई है और कितनी हमारी समुद्री सीमाएं अब सेफ है या फिर अनसेफ? देखिए, अगर तो किसी भी प्रिटेक्स्ट पर हथियार थे बोट में तो वो हर एक कानून का उल्लंघन है। किसी भी फिशरमैन को ये अधिकार नहीं होता कि वो अपनी बोट के अंदर इस तरह के हथियार रखे।
तो अगर तो हथियार रखने की पुष्टि हो चुकी है तो चाहे वो आतंकवादी हो या ना हो वो अपराधी जरूर थे। दूसरी बात ये कि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हो सकता है कि कितनी सतर्कता है इस पे सी वाटर्स पर भारत की उसको टेस्ट करने की कोशिश हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ये एक्चुअली कोई घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल वो ज्यादा बड़ा चीज है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये होती जा रही है कि जिस तरह के हालात हैं और जो सुरक्षा नियम हमने टाइट करने की कोशिश की थी 26/11 के हमलों के बाद, उसमें बहुत सारे गैप अभी भी हैं, क्योंकि जो भारतीय बोर्ड थी उनमें जिस तरह के सिस्टम्स लगाने की बात हुई उस पर मेरे ख्याल फिशरमैन भी रजामंद नहीं थे, खर्चे की भी बात थी, और जिस तरह का ट्रैफिक होता है फिशिंग का इस सारे एरिया में, इसके सबसे ऊपर नज़र रखना बहुत मुश्किल काम है, और अगर फिशरमैन कम्युनिटी का सपोर्ट ना हासिल हो तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल ये एक तरीके का वेकअप कॉल भी है कि जो भी इमरजेंसी रेजिस्टेंस हो किसी की भी राष्ट्रीय सुरक्षा का के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और फिशरमैन को जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उस पर उनको टिकना पड़ेगा, उससे उसको उसकी खिलाफवर्जी किसी भी हालत में मंजूर नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल ये इतिहास से वेकअप कॉल भी है उसके लिए, लेकिन अगर इन लोगों ने एक्चुअली हथियार रखे हुए थे तो फिर आतंकवादी हो या ना हो अपराधी जरूर। बिल्कुल, और सरीन साहब एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर इस पूरी घटना को देखें, बताया ये जा रहा है 4 लोग एक बोट में सवार थे, हथियार उनके पास था, और उन लोगों को कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड ने जब एक तरह से घेरने की कोशिश की या उनकी तरफ जब वो आगे बढ़े तो उसके बाद एकदम से उस बोट में धमाका हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो एक तैयारी से आए थे, रेकी करने के सोच से आए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि शायद वो पकड़े जा सकते हैं उन्होंने खुद ही उस बोट में धमाका कर दिया। क्या ये भी एंगल हो सकता है? देखिए, अगर ये जो जिस तरीके से आप सारी घटना का ब्यौरा दे रही हैं अगर ऐसे ही हुआ है तो फिर मेरे ख्याल जो निष्कर्ष होगा वो यही होगा जो आपका निष्कर्ष है, और कोई दूसरा निष्कर्ष इसमें निकल नहीं सकता, क्योंकि फिर ये बड़ा ऑब्वियस है। एक तो वैसे भी जैसे 26/11 के जो आतंकवादी आए थे वो सारे मरने मारने के लिए ही आए थे, वो बचने की चाह से नहीं आए थे, और अगर इस तरह के फिदायीन या सुसाइड मेंटालिटी के साथ इस तरह के लोग आए तो उनके लिए फिर अपने आप को इस तरह से उड़ाना ज्यादा माननीय है बनस्बत इसके कि वो पकड़े जाएं। तो मेरे ख्याल उसमें निष्कर्ष वही निकलेगा जो आप निकाल रही हैं, प्रोवाइडेड सारे के सारे फैक्ट्स वैसे ही हों जैसी आपके पास अभी रिपोर्ट आ रही है। जी सरीन, जी सरीन साहब आप बने रहे हमारे साथ और इस खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। खबर भारत सरकार के खुफिया विभाग के हवाले से आ रही है। खबर के मुताबिक 31 दिसंबर की रात पाकिस्तानी बोट पोरबंदर के करीब आई थी, जिसके बाद बोट का कोस्ट गार्ड ने पीछा किया, बाद में बोट में खुद ब खुद धमाका हुआ। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है आपको हम बता दें, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में ये 2 आतंकी हैं जो कि नोएडा और दिल्ली के सीमा से पकड़े गए हैं। इनसे जो जानकारी अब तक मिल पाई है आपको बता दें, लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा इनसे पूछताछ हुई है, पुलिस ने पूछताछ की और बताया गया कि इनकी मंशा थी दिल्ली समेत कई शहरों को, भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश के तहत ये लोग आए थे। इन दोनों को पकड़ लिया गया है, दिल्ली और नोएडा की सीमा से इन दोनों को पकड़ा गया है। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पोरबंदर का जो इलाका है वहाँ पर समुद्री सीमा, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कराची से एक फिशिंग बोट आई थी जिसमें कि 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है इन चारों के पास हथियार, बताया जा रहा है हथियार थे। जब भारतीय जो कोस्ट गार्ड है उस इलाके के जो कोस्ट गार्ड है उन लोगों ने जब रोकने की कोशिश की उस बोट को तो उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, उसके बावजूद जब पीछा करते हुए जो भारतीय कोस्ट गार्ड की बोट है वो वहाँ पर पहुँची, उन लोगों ने चाहा कि पूछताछ की जाए उन लोगों से और इंट्रोगेशन किया जाए कि कौन लोग हैं, क्रू और कार्गो कौन है उसमें, तो उन लोगों ने स्पीड और बढ़ाते हुए किसी भी तरह की पूछताछ से मना कर दिया और धमाका हो गया उस बोट में।
गौरव, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि फिलहाल कई सारे अजम्पशंस किए जा सकते हैं इस पूरी घटना के मद्देनजर, लेकिन एक बात कम से कम साफ है कि ये फिशिंग बोट जरूर थी लेकिन इसमें फिशरमैन नहीं थे, मछली मारने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार नहीं हो सकते। दूसरी बात बताया ये जा रहा है कि जब कोस्ट गार्ड ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी बोट की और उसके बाद एकाएक बोट में धमाका होना, क्या समझ में आ रहा है? श्वेता, जो हमारे सूत्र कोस्ट गार्ड में हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक उनके पास खुफिया विभाग से जानकारी थी कि कराची के केती बंदर से एक जहाज़ निकलेगा और अरब सागर में वो गैर कानूनी एक काम करेगा, यानी वो भारत के किसी जहाज़ में या हथियार सप्लाई करेगा या आतंकवादी सप्लाई करेगा, नारकोटिक्स सप्लाई करेगा, ये साफ नहीं था। लेकिन ये था कि कुछ गैर कानूनी गतिविधि अरब सागर में होगी और उसी को देखते हुए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड का एक डॉर्नियर विमान इस जहाज़ को ढूंढ रहा था। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात ये जहाज़ देखा गया, कोस्ट गार्ड के एक जहाज़ को फिर इसके पीछे भेजा गया। जब इसे रोकने का प्रयास हुआ तो इसने एकाएक अपनी रफ्तार बढ़ा ली और तेज़ी से ये फिर कराची की तरफ निकलने लगा। वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, यानी जो जहाज़ होता है अंतर्राष्ट्रीय पानी में उसको रोकने के लिए उसके ऊपर वार्निंग शॉट्स फायर किए जाते हैं। जब वो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए उसके बाद इस जहाज़ ने और तेज़ी से अपनी रफ्तार बढ़ाई, 4 लोग इसमें सवार थे। बिल्कुल गौरव, आपसे डिटेल।